गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आपका वेलकम करती हूँ सक्सेस मंथ चैनल पे। तो आज है 12 जून 2020। तो आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या हैं, चलिए देख लेते हैं। क्या देश दुनिया में नया घटित हुआ, स्पोर्ट्स में क्या नया हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था में क्या उतार चढ़ाव आए, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए कोर्सेज के बारे में आप लोगों को बता दूं कि मैं मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों की एक डे वाइज सीरीज शुरू करने वाली हूं। तो 2 दिन हम 1 करेंगे, 2 दिन 2, 2 दिन 3 और 2 दिन 4, ऐसे करके हम लोग काफ़ी अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन यहाँ शुरू करेंगे। जब तक हमारा प्री का एग्ज़ाम नहीं हो जाता उससे पहले हम काफ़ी हद तक मेंस कंप्लीट कर लेंगे। प्लस यहाँ पर मैं प्रीलिम्स के लिए 2 मिनट सीरीज़ भी लेकर आई हूँ कि 2 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करें अपने आप। तो ये बस 2 मिनट की सीरीज़ देखने में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन, जैसे आप एज इट इज़ तैयारी कर रहे करते रहें, प्लस रिवीजन बहुत ज़रूरी है तो इसके लिए आप रिवाइज हमारे इस सीरीज़ से कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण दिवस देख रहे थे तो वो देख लेते हैं। तो 6 से 15 जून के बीच महत्वपूर्ण दिवस, सबसे इम्पॉर्टेंट डे है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। बाकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे नहीं है, कभी कभार 8 जून को जो वर्ल्ड ओशन डे होता है वो पूछ लिया जाता है, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। बाकी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, और इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये आपसे कम पूछा जाता है। चलिए 14 जून को जो होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, और वर्ल्ड विंड डे नहीं पूछा जाता है। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे भी बहुत ही कम पूछा जाता है। पर जून का जो 3rd रविवार होता है जो आने वाला है 14 जून को, तो वो होगा वर्ल्ड फादर डे। तो आप वर्ल्ड फादर डे अपने घर में मनाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। एक्सचेंज क्यूएस 2021 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है, तो ये मिला है 8 संस्थानों को स्थान। यहाँ पर टॉप 500 संस्थानों में 8 भारतीय संस्थान है, जिसमें टॉप 200 इंस्टीट्यूट में भारत के सिर्फ 3 संस्थान हैं, जबकि टॉप 1000 संस्थानों में कुल 21 इंस्टीट्यूट को स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष जो 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर है, तो भारत का मुंबई है जो सबसे महंगा शहर है, और ये वैश्विक स्तर पर 60वां सबसे महंगा शहर है और एशिया का 19वां शहर है। इस सूची में सबसे महंगे शहर की अगर हम बात करें तो वो है हांगकांग, जो दुनिया का सबसे महंगा शहर है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे अमेरिका वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है, तो ये चुना गया है आपका जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर। सिर्फ नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ये थोड़ा सा याद इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सैन्य सेवाओं का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बन गए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन IPAC बनाने की घोषणा की है, तो ये की है 8 देशों ने। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन इसका नाम IPAC है, और इसकी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार, मानव अधिकारों और सुरक्षा के लिए चीन के बढ़ते खतरे का मुकाबला करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है, तो ये मिला है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, जिसके तहत कंपनी 8000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट तैयार करेगी और 2000 मेगावाट के घरेलू सौर पैनल विनिर्माण क्षमता स्थापित यहाँ पर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर जो है नीरज फोगाट पर डोपिंग का दोषी पाए जाने के लिए उन पर कितने वर्ष प्रतिबंध लगाया गया है, तो 4 वर्ष का उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, दोनों पर 4-4 वर्ष का अलग से लगा है। इसमें नीरज फोगाट को प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेने का दोषी पाया गया, जबकि अमृतपाल ने प्रतिबंधित पदार्थ टर्बुटेलाइन का सेवन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगे डोपिंग के आरोप को हटा दिया है? तो वो हटा दिया है संचिता चानू के ऊपर। इनके ऊपर लगा था डोपिंग का आरोप और वाडा की सिफारिश पे इसे हटा दिया गया है। और IWF की वकील लीला सांगे ने कहा कि संचिता चानू के सैंपल में कुछ भी गलत नहीं पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। तो डेनमार्क और भारत के बीच ये हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 1950 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है? तो ये दिया है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल ने राज्य में COVID-19 से निपटने के लिए ऋण दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना याद रखेंगे, जुलाई 1945। यहाँ थोड़ा सा मैंने और डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की है क्वेश्चंस की, कि जिस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं वो भी हम लर्न कर सकें, याद कर सकें। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है Washington DC है, इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविस मालपास है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़े हैं। हाल ही में नासा ने किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये किया है रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार एक नासा ने कार्यकारी इंजीनियर योगदान और उपभोक्ता निष्ठा के माध्यम से उनके प्रशासन के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन और इसका मुख्यालय है Washington DC में। नेक्स्ट, हाल ही में IL और FS ने किस राज्य में सरकार को अपनी 50% हिस्सेदारी बेच दी है? तो ये बेची गई है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आंसर गलत हो गया है। यहाँ पे आंसर होगा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी में 50% हिस्सेदारी बेची है, तो गुजरात राज्य को बेची है। IL एंड FS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है चार साल का प्रतिबंध। और इन्होंने प्रतिबंधित पदार्थों के पॉजिटिव टेस्ट के बाद ये लगाया था, और ये 17 मई 2019 से शुरू होकर 16 मई 2023 तक जारी रहेगा। AIU की फुल फॉर्म होती है एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट, और इसके अध्यक्ष हैं ब्रेट कॉलिथर, और मुख्यालय इसका पाया जाएगा मोनाको में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फ्लाई जी जिसे कहा जाता है मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने। COVID-19 महामारी के दौरान अनुकूल और संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। उस मल्टी फंक्शन एप्लीकेशन फ्लाईजी को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नियमों के अनुसार बनाया गया है। चलिए, आज का क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। तो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।